नमस्कार। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ वीसी के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी हैज जॉइंड अस बाय वीसी। प्रधानमंत्री जी का जन औषधि परिवार एवं भारत सरकार के औषध विभाग के तरफ से विनम्र स्वागत करते हैं। इस चतुर्थ जन औषधि दिवस के मंगल अवसर पर सर्वप्रथम स्वागत संबोधन के लिए मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयों के माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, चतुर्थ जन औषधि दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमें मार्गदर्शन, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन देने के हेतु हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के तकरीबन 8600 से अधिक जनऔषधि केंद्र से वर्चुअली हमारे साथ जुड़े केंद्र सरकार के मंत्रीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, डॉक्टर्स, हजारों की संख्या में जन औषधि के सेवा में लगे हुए जन औषधि मित्र, सेवाभावी कार्यकर्ता एवं भाइयों एवं बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी, 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के दौरान अलग अलग हिस्से में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जिस दिन जन औषधि सप्ताह की शुरुआत हुई, उस दिन देश के 75 स्थानों पर जन औषधि को लेकर जन जागरूकता का अनेक कार्यक्रमों चलाया गया। आज 750 स्थानों पर स्वास्थ्य मेला और कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये 7 दिन के दरमियान जन औषधि संकल्प यात्रा निकली, मातृ शक्ति सम्मान किया गया, जन औषधि बाल मित्र के माध्यम से स्कूल में जाके बच्चों को जन औषधि के बारे में बताया गया, जन औषधि मित्रों की संख्या बढ़ाई गई, तकरीबन 1.5 लाख से अधिक नए जन औषधि मित्र बने। ये सारी कार्य योजना, सारा काम एक सप्ताह के दरमियान एक कार्यक्रम में हुआ है। जन औषधि सप्ताह के कुल मिला के 1200 से अधिक छोटे बड़े और भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और आज हम जन औषधि संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था, देश में किसी भी व्यक्ति को दवाई के बिना मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, आपके नेतृत्व में, आपके प्रयासों से ये आपके विचार पूरे हो रहे हैं। जन औषधि न सिर्फ आज जन जन की औषधि बन गई है, बल्कि यह लगातार अधिक से अधिक जन उपयोगी भी बनती जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में 2016 में जन औषधि परियोजना का प्रारंभ किया गया था। वो कारवा सतत आगे बढ़ता रहा। आज देश में 8600 से अधिक जन औषधि केंद्र जनता की सेवा कर रहा है। सिर्फ पिछले एक वर्ष में 1132 नए केंद्र शुरू किए गए हैं और एक केंद्र पर 1400 से 51 दवाइयां उपलब्ध है, 240 से अधिक सर्जिकल आइटम उपलब्ध है और यहां मिलने वाली जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती है, लेकिन इनकी गुणवत्ता एकदम विश्व स्तर की है, जिसके कारण आज प्रत्येक दिन 10 लाख से ज्यादा पेशेंट जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेने के लिए आते हैं। जन औषधि केंद्र से मिल रही
सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं से देश की आम जनता के काफी पैसे आज बच रहे हैं। जब देश के किसी आम परिवार का दवाओं पर होने वाला खर्च कम होता है तो उसी पैसे से कई परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला पाता है, तो कई परिवार इस पैसे को दूसरे किसी जरूरी काम में खर्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से लगातार आगे बढ़ रही यह योजना सही मायने में देश के गरीबों, वंचितों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए जीवन रक्षक योजना बन के आज समाज के सामने उभरी है। कल 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाएगी। जन औषधि योजना के तहत भी महिलाओं को खास ध्यान रखा गया है। महिला केंद्र संचालकों के लिए अतिरिक्त आर्थिक मदद की व्यवस्था भी जन औषधि केंद्र खोलने वाली महिलाओं को दी जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं को उपयोगी और उसको उपयोग में आने वाले कई जरूरी उत्पाद भी जन औषधि केंद्र से मिल रहे हैं। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपये में सुविधा सैनिटरी पैड महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है और भारत में सर्वाइकल कैंसर अधिक पाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुविधा सैनिटरी पैड की कीमत सिर्फ 1 रुपये होने के कारण महिला सैनिटरी पैड का आसानी से इस्तेमाल कर पा रही है और वर्ष 2015-16 में केवल देश में 58% यानी कि 58% महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती थी, लेकिन सुविधा सैनिटरी पैड के माध्यम से 1 रुपये में सस्ते दर पर और हर जन औषधि केंद्र पर, ब्लॉक लेवल के जन औषधि केंद्र पर भी 1 रुपये में सैनिटरी पैड मिलने से उसका व्याप भी बढ़ा है। और आज सुविधा पैड की वजह से 78% महिलाएं मेंस्ट्रुअल के दौरान पर हाइजेनिक पैड का इस्तेमाल कर पा रही है। जन औषधि योजना महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जन औषधि योजना आज भारत में एक मौन क्रांति के रूप में हमारे सामने आई है। पीएम बीजेपी केंद्र सिर्फ सिंगल पेज फॉर्म भरने से किसी को जन औषधि केंद्र चालू करना है, चाहे वो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे कोई स्टूडेंट फार्मेसी का पढ़ के बीफार्म या डीफार्म होके आया हो और जन औषधि केंद्र खोलना चाहता है, तो केवल एक फॉर्म भरने से और केवल मेडिकल ओपन करने के लिए जो लाइसेंस चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट से ले लेने से प्राइवेट प्लेयर भी जन औषधि केंद्र ओपन कर सकते हैं। और आज ऐसे ही कई युवाओं को रोजगार भी मिला है और अच्छी तरह से जन औषधि केंद्र चला के लोगों को उपयोगी भी हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से आपका भाषण हो या फिर मन की बात में आपका संवाद हो या फिर संसद या अन्य किसी जगह पर आपका संबोधन हो, आपने बार बार जन औषधि योजना और इसके हो रहे फायदे के बारे में जिक्र किया है। इससे योजना से जुड़े सभी को प्रोत्साहन भी मिलता है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आज सभी सांसद, विधायक, मंत्री, राज्य के मंत्री का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदैव भारतीय जन औषधि परियोजना की सफलता एवं लोकप्रियता के लिए लोगों की जेनेरिक दवाओं के प्रति जागृति को महत्व दिया है। इस वर्ष जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत व्यापक जन भागीदारी के साथ संपन्न हुए जन जागृति कार्यक्रमों की एक झलक आप सबके समक्ष अब प्रस्तुत करते हैं। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। इस अवधारणा को मूल मंत्र बनाकर आज पर्वतीय क्षेत्रों के आंतरिक भागों से लेकर मेट्रो सिटी तक
8,600 से अधिक जनऔषधि केंद्र कार्यरत हैं। इन केंद्रों पर 1,451 प्रकार की दवाइयां एवं सुविधा पैड सिरिंज जैसे 240 प्रकार के सर्जिकल उपकरण बाजार की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक की कम कीमत पर उपलब्ध है। प्रत्येक दिन तकरीबन 10 लाख मरीजों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराते हुए जनऔषधि केंद्र पिछले 7 वर्षों में जरूरतमंद लोगों को 13,000 करोड़ रुपए तक की बचत करा पाए हैं। कम दाम में मिल रही दवाइयां गुणवत्ता में सबसे आगे हैं, क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ WHO GMP सर्टिफाइड निर्माताओं से ही खरीदी जाती है और साथ ही NABL लैब से जाँच करने के बाद ही इसे भारतीय जनऔषधि केंद्र तक पहुँचाया जाता है। जनऔषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उत्तर पूर्वी राज्य या पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र मरीजों के सच्चे मित्र बनकर उभरे हैं। सस्ती दवाइयाँ हर एक नागरिक को निरोगी बनाएंगी और 8,600 से अधिक भारतीय जनऔषधि केंद्र बनाएंगे स्वस्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना मना रहा है अपना चतुर्थ जन औषधि दिवस। इस उपलक्ष में 1 मार्च से जनऔषधि संकल्प यात्रा के साथ समारोह की शुरुआत हुई। नई दिल्ली के दिल्ली हाट में जनऔषधि स्टॉल का शुभारंभ हुआ तो भारत के अलग अलग शहरों में सेल्फी बूथ भी बनाए गए। 2 मार्च को माननीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने जन औषधि परियोजना के संदेशों से सुसज्जित जन औषधि रथ एवं अन्य प्रचार वाहनों के एक बड़े जत्थे को रवाना किया तो दूसरी ओर जन औषधि केंद्रों पर किया गया मातृशक्ति का सम्मान। 3 मार्च को जहां जन औषधि केंद्रों पर बाल मित्र बनाए गए और माई गॉव पर चल रहे क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। फिर हुई एक शानदार शाम, जलती हुई कंदीले आसमान में उड़ उड़ के जन औषधि की वैभव गाथा गाने लगी। 4 मार्च की सुबह हुई जन औषधि विरासत के साथ हेल्थ हेरिटेज वॉक से दिल्ली में, जिसका नेतृत्व किया माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने, तो श्री भगवंत खूबा जी ने अजमेर से मरुसागर एक्सप्रेस को रवाना किया जो जन औषधि ट्रेन बनकर छुक छुक करने लगी। कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुए और हजारों लोगों ने जेनेरिक मेडिसिन लेने की शपथ भी ली। 5 मार्च को हजारों युवा जनऔषधि मित्र बने। 6 मार्च को देश भर में जनऔषधि जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया तो वहीं दिल्ली का प्रसिद्ध कुतुब मीनार भी जनऔषधि के रंगों से सराबोर हो गया। आज पुरी में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के समर्थन में सैंड आर्ट बनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनऔषधि केंद्र संचालकों एवं लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे एवं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारतीय जनऔषधि परियोजना की उपलब्धि में देश के हर कोने में कार्यरत केंद्र संचालक एवं जनऔषधि मित्रों का योगदान सम्मिलित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुमति से वर्ष 2022 में सम्मानित किए गए कार्यकर्ताओं का विवरण प्रस्तुत है। इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक बिक्री के साथ उत्तम केंद्र संचालन के लिए जन औषधि सर्वश्रेष्ठ का सम्मान जम्मू के श्री सुधन्य गुप्ता जी, मुजफ्फरपुर बिहार के श्री पंकज कुमार झा जी और शिवमोगा कर्नाटक के श्री सैयद आसिफ को दिया गया है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्र संचालक के श्रेणी में प्रति माह परियोजना के लाभार्थियों को 5 से 7 लाख रुपए की दवाइयां उपलब्ध कराने वाले बिहार के डॉक्टर रागिनी रानी जी, आलापुरा केरला के श्रीमती रेवती नायर जी एवं मणिपुर के सुश्री जून हेकरुजम जी को जन औषधि ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जन औषधि अभियान को निस्वार्थ सेवा भाव के साथ आगे बढ़ाने वाले हजारों जन औषधि मित्रों में से इस वर्ष अहमदाबाद गुजरात के श्री राकेश भाई ब्रह्मभट्ट, जोरहट असम के श्री प्रांजल भुइयां एवं बेगूसराय बिहार के श्री रामाशीष यादव को सम्मानित किया गया है।
सभी सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शुभाशीष की हम कामना रखते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा अनुसार देश के विविध प्रांतों में जन औषधि परिवार जनों से सीधा संवाद का आज हमें सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है, जो परियोजना के लिए गर्व की बात है। सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अनुमति से हम पटना स्थित जन औषधि लाभार्थी के साथ आपका सीधा संवाद प्रारंभ करने का विनम्र अनुरोध करते हैं। नमस्ते जी। आदरणीय प्रधानमंत्री को मेरा सादर प्रणाम। मैं पटना आनंदपुरी से हूँ और पिछले 8 महीने से जन औषधि की दवा ले रही हूँ। साथ ही साथ इतनी कम पैसे में मुझे जो दवाई प्राप्त हो रही है वो मैंने दूसरे परिवार को भी बताया, वो लोग उससे भी लाभान्वित हुए। मैंने बोला कि मैंने जैसे आपको बताया आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, वैसे भी आप और आदमी को बताएं जिस तरह से आपको पैसे की लाभ प्राप्ति हुई है और दूसरे को भी वैसे ही लाभ मिले। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये जो जन औषधि परियोजना है वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। हिल्दा जी, जरा ये बताइए कि आपको ये सबसे पहले जन औषधि केंद्र के बारे में कहां से जानकारी मिली? हमारे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर, तो मेरे बीपी और शुगर की दवा महीने की 1500 से 1600 रुपए की आती थी, तो उन्होंने कहा कि जन औषधि से आप लेंगे तो 200-250 रुपए में मिल जाएगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने जब आनंदपुरी के जन औषधि केंद्र से दवा लिया तो मुझे 250 में कैल्शियम के साथ बीपी और शुगर के महीने भर की दवा मिली। मुझे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दिया और जो इसे लाभ उठा रहे हैं वो मुझे धन्यवाद दिया। तो मैंने कहा कि धन्यवाद की हकदार मैं नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको धन्यवाद दीजिए, उनका ये योजना सफल हो रहा है। बस हिल्दा जी, एक मोटा मोटा अगर अनुमान लगाना है कि जन औषधि के पहले भी आपको दवाइयां लेनी पड़ती थी, तब भी जरूरत थी, अब जन औषधि से लेते हैं, दवाइयां तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं होता होगा, आपको संतोष है दवाइयों से? बहुत संतोष है। मुझे लोगों ने कहा कि दवा सरकारी है, सस्ती है, कारगर नहीं होगी, तो मैंने कहा कि मैं 8 महीने से दवा ले रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा शुगर बीपी लेवल सब सही है, तो आप लीजिए, देखिए, विश्वास उसमें कीजिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये परियोजना है कि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंचे, यही हम लोग की कामना है। औसत कितने रुपये बच जाते हैं आपका परिवार जो पहले दवाइयां लेता था और अब जन औषधि से लेता है, तो महीने का कितना रुपया बचता होगा? पहले मुझे 1500-1600 रुपया लगते थे, अभी मुझे 250-300 रुपया लगते हैं, तो बाकी जो बचे पैसे हैं उसको मैं सोशल सर्विस कॉज पे लगाती हूँ। हिल्दा जी, एक तो बड़ा आपने दवा नहीं खरीद पाते थे, जो दवा नहीं खरीद पाते थे गरीब लोग, उनको मैं बताई कि तुम जाके दवा ले सकते हो और तुम्हारे रीच में है, तुम अफोर्ड कर सकते हो अपने जो कम इनकम में, तो वो आके मुझे धन्यवाद देते। मैं मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे कि वो और उनका जो ये परियोजना है आगे और बढ़ता रहे। नहीं, आपने कहा 1200-1500 रुपया हर महीना बच जा रहा है और वो आप समाज सेवा के लिए खर्च कर रही हो, ये सुनकर के तो मुझे पक्का विश्वास है कि जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है उनको जरूर आपके इस योजना से, आपका जो इनिशिएटिव है,
बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग जन औषधि केंद्र में जाते होंगे उनको अब लगता होगा कि पहले सरकारों ने ऐसा क्यों शुरू नहीं किया, अब ये शुरू हो गया तो अच्छी दवाइयां मिल रही है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ऐसा एक विश्वास पैदा हुआ है, बहुत पैदा हुआ है। और मैं उन लोगों के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोग इतने आशीर्वाद आपको दिए हैं और बोले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ऐसा ही वो कार्य करते रहे हम लोग के लिए, निम्न वर्गीय परिवार के लिए। तो हम बोले कि ये तो संभव है, ये तो एक दवा मात्र है और जो आप नहीं खरीद पाते थे, सोचते नहीं थे कि महंगी दवा है कैसे होगी। तो जरूरी नहीं है कि महंगी दवा अच्छी है और सस्ती दवा खराब होती है। मैं 8 महीने से मैं बोली सभी को कि एग्जांपल ले लो, मैं 8 महीने से यूज कर रही हूँ और मेरा ब्लड शुगर सभी सही। तो मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। देखिए हिल्दा जी, आप जैसे पढ़े लिखे परिवार से लोग जब ये दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ ना कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। और हमारी सरकार को एहसास है कि देश के गरीब और मध्यम वर्ग के खर्च का एक बड़ा हिस्सा, अगर परिवार में एक बीमारी आ गई तो परिवार के सारे सपने ठहर जाते हैं, कभी कभी तो सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन अगर दवाइयां सस्ती हैं, और हम जानते हैं कि कितना ही बड़ा डॉक्टर को देने वाला पैसा, ऑपरेशन का खर्चा, उससे ज्यादा दवाइयों का खर्चा होता है, अगर दवाइयां सस्ती हो जाए तो हमारे डॉक्टरों को भी एक प्रकार से लाभ ही होगा, क्योंकि पेशेंट दवाइयों के खर्च के बोझ के कारण कभी ऑपरेशन नहीं करवाता है, तो डॉक्टरों को भी लाभ है, पेशेंट को भी लाभ है और हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम देश के मध्यम वर्ग को, निम्न मध्यम वर्ग को और गरीब को दवाइयों पर होने वाला खर्च कम कर सके, इसी दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं आप जैसे संपन्न और मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे परिवार, वे ज्यादा से ज्यादा जन औषधि का प्रचार करेंगे, स्कूलों में जाके बच्चों को बताएं, बच्चे अपने माँ बाप को बताएं, एक पूरा सिलसिला चलाएं, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था कर दी, उपलब्ध है, लेकिन लोग पहुंचते नहीं क्योंकि उनके मन में लगता है यार इतना फर्क है तो पता नहीं क्या होगा। तो आप जैसे लोग अनुभव से बताएंगे तो जरूर फायदा होगा। हिल्दा जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आइए अब हम सुरेश चंद्र बेहरा जी से बात करते हैं, आप भुवनेश्वर से हैं, उड़ीसा के। सुरेश जी नमस्ते। जी नमस्कार, नमस्कार जी। सुरेश जी हाँ बैठ के बात कीजिए, सुरेश जी बैठ के बात कीजिए। सर आपको पैर में तकलीफ है क्या सुरेश जी? जी सर मैं दिव्यांग हूँ ना। आपकी आवाज बराबर नहीं आई। दिव्यांग हूँ मैं ना। अच्छा दिव्यांग है, चलिए फिर तो मुझे बिल्कुल आपको खड़े होने का कष्ट नहीं देना चाहिए, आप बिल्कुल आराम से बैठ करके ही बात कीजिए, आप शरीर को जरा भी कष्ट मत दीजिए। अच्छा आप सुरेश जी अपने विषय में बताइए, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ सर। सर मैं ना सुरेश चंद्र बेहरा, मेरे पिता का नाम सुधाकर बेहरा, माता का नाम प्रभाती बेहरा और मेरे माता पिता अभी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर शुगर में पीड़ित थे और डॉक्टर प्रेस्क्राइब किया था ना, और मैंने ज्यादा दवाई लिया, दवाई था बहुत कॉस्ट हुआ था, मैंने उसे पूछा कितना इतना ज्यादा कॉस्ट में औसत नहीं पहन ले पा रहा था, मैंने मैंने बोला और कैसे मैं ये दवाई खरीदूंगा, तो जब पूछे पूछे तो मैंने लिखा भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला है, मैंने उसकी दवाई लिया, बहुत अच्छा कम दाम से दवाई मिले, बहुत अच्छा रहा, मेरे भी स्किन डिजीज थे वो भी क्लियर हुए थे, बहुत कम सस्ते में दवाई मिलते है और खा के अच्छा हुआ। एक तो आप दिव्यांग है और आपको ये तकलीफ भी है, तो आप मुख्यतः कौन कौन सी दवाई आपको जन औषधि केंद्र से मिल जाती है?
सर सब मिलते हैं, डायबिटीज के मिलते हैं, ब्लड प्रेशर मिलते और स्किन डिजीज मिलते सब मिलेंगे। कोई ऐसी दवाइयां हैं जो आपको लेनी पड़ रही हैं लेकिन जन औषधि में नहीं मिलती हैं? सर सब मिलते हैं, जो सब मिल जाता सब मिलते है। अच्छा सूरज जी आप बताइए, आपके इतनी छोटी आयु में आपको डायबिटीज है तो परिवार में और लोगों को भी है क्या, माता पिता को डायबिटीज? सर मेरे पिताजी को हुए थे और माताजी को हुए थे, जब इतने दवाई लिखे थे डॉक्टर, मैंने जो दवाई इतने दाम 5,000-6,000 लग जाता, मैंने बोला इतने दवाई कहाँ से लगे, इतने रुपए कहाँ से लगे, इनकम तो बहुत कम है ना। लेकिन मैंने जन औषधि के बारे सुना और जन औषधि केंद्र गए और लिखा तो जो 5,000 से 1,000 हो जाएगा हो जाता था, बहुत अच्छा सर। अच्छा सूरज जी पहले कितना खर्चा होता था दवाइयों का और जन औषधि में जाने से अब कितना होता है और हर महीने कितना पैसा बचता है? सर 2,000-2,500 बच जाता है। कितना? 2,000-2,500 बच जाता है। 2,000-2,500 जी सर। अच्छा तो ये पैसे बच गए अब तो उसका कुछ अच्छा उपयोग करते होंगे, क्या करते हैं? सर इनकम बहुत कम है तो ना सर, पैसा धार कर्ज करे लेके दवाई खरीदते थे और मैं तो पिताजी लेबर है ना और माता जी से मैं तो छोटा मोटा काम करती थी और मेरे दुकान में तो ज्यादा दवाई किनने के पैसा नहीं था, लेकिन इतने कम पैसे में दवाई मिलते तो अब बहुत अच्छा लग रहा, पैसा नहीं कौन से धार नहीं करते हम। चलिए सूरज जी आपको और आपके माता पिता को भगवान जगन्नाथ बहुत जल्दी स्वस्थ रखे। सर मेरे माता पिता आपको प्रणाम करते अभी सुबह से लिखने जो लिखने हमारी तरफ से भी प्रणाम कह दीजिएगा। सर गांव वाले आपको सब गुजारिश है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते। सुरेश जी मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं कि आप दिव्यांग इस तकलीफ के बावजूद भी माँ बाप की भी सेवा कर रहे हैं और विषमताओं से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूँ आप हंसते जो भी बात कर रहे हैं हंसते हुए कर रहे हैं, रोते हुए नहीं कर रहे, ये बड़ी आपकी ताकत है और बड़ी प्रेरक है और मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ आपसे, भले 2 मिनट बात करने का मौका मिला लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए भगवान जगन्नाथ आपको बहुत ताकत दें क्योंकि हम तो गरीब हो वंचित हो पिछड़े हो महिला हो दलित हो हमारे दिव्यांग भाई बहन हो उन सबके साथ उनके साथी बनकर ये सरकार कैसे खड़ी रहे, जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में खड़ी रहे और उसके जीवन में मुश्किल आने न दे। तो जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे सरकार का यही मकसद रहा है। आपको सुनकर के लगा है कि मुझे जो काम मैं कर रहा हूं वो सही दिशा में कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हम कविता राव जी से मिलते हैं। कविता जी नमस्ते। नमस्कार। बहुत अच्छी लग रही है मेरे को आपसे बात करने में, बहुत ही खुश हो रही हूँ। कविता जी अपने विषय में पहले बताइए जरा। आपने साधारण घर में 5 लोग रहते हैं, पहले मैं पिछले 7 साल से दवाई खरीद रही हूँ, एक फ्रेंड के जरिए मुझे मालूम पड़ा ऐसे केंद्र हमारे विश्व में उदयगिरि में गाय चले, मैं उधर जाकर कम दामों में और बढ़िया क्वालिटी के मेरे को मिले, मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। अच्छा जन औषधि केंद्रों से कैसे लाभ हो रहा है आपको? मतलब जन औषधि केंद्र के मतलब पहले ससुर को हार्ट प्रॉब्लम था, अब जन औषधि केंद्र में मेरे को 400-500 तक की औषधि मिलते आपकी। अच्छा आप अपने क्षेत्र के बाकी लोगों को जन औषधि केंद्रों के बारे में जानकारी देती हैं, इसका प्रचार करती हैं आप? बहुत देती हूँ, बहुत देती हूँ, मेरे नेबर्स फ्रेंड्स
सभी को मैं यही बात कहती हूँ, हमारे मैसूर में जनऔषधि के दूसरे नाम है मोदी मेडिकल, मोदी मेडिकल से बड़ा। देखिए कविता जी, आप कर्नाटका से हैं और कर्नाटका में तो आईटी डिजिटल दुनिया एक बहुत बड़ी ताकत है। आप इनिशिएटिव लेकर के, नौजवानों की मदद लेकर के सोशल मीडिया पर जन औषधि का सबसे ज्यादा प्रचार कर सकते हैं क्या? कन्नड़ भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में लोग अपने अनुभव शेयर करें, छोटे छोटे वीडियो लगाएं। अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग, मध्यम वर्ग के लोग सोशल मीडिया के द्वारा जन औषधि का प्रचार करेंगे तो ज्यादातर सोशल मीडिया पर हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो उनमें अगर ये बात फैल जाएगी तो हमारे जन औषधि केंद्रों से हमारे मध्यम वर्ग के परिवार के बहुत पैसों की बचत होगी। और एक बार पैसा बचा मतलब जिंदगी में वो बहुत काम आता है। तो कविता जी, मैं हर किसी की चिंता करता हूँ, गरीब की भी करता हूँ, मध्यम वर्ग की भी करता हूँ, और आप जैसे लोग आके आकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप बीमारी से भी मुक्त रहें, बहुत लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम गुजरात चलते हैं उर्वशी जी के पास। उर्वशी जी केम छो? नमस्ते। नमस्ते उर्वशी बैसी ने। हाँ उर्वशी जी बताइए, पहले अपने विषय में बताइए। सर मेरा पूरा नाम उर्वशी नीरव पटेल है, मैं सूरत की रहवासी हूँ और पहले एनजीओ के हिसाब से थोड़े बहुत सामाजिक काम करती रहती थी और बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ और लास्ट चुनाव में कॉरपोरेटर बनी हुई हूँ। सबसे पहले जब 2017 में मैंने बस्ती दान से पेट दान के कॉन्सेप्ट पे एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसके अंदर मेरी भावना ऐसी थी कि दान करना था दिक्रियों के लिए कि जो स्लम एरिया की है, स्कूल में पढ़ती है, तो उसके लिए डोनेशन तो कहीं जगह पे आ सकता था कि पैसा इकट्ठा करके करना था, पर एक महिला हूँ और स्वाभिमान की बात थी और ऐसा सोचा कि कहीं और से पैसा इकट्ठा करे, इससे अच्छा हर गृहिणी को, हर महिला को, हर दिकरी के साथ भावना से कनेक्ट किया जाए। और फिर ये स्लोगन माइंड में आया, बस्ती दान से पेट दान। तो उस समय हमारी, मैं जो कॉलोनी में रहती थी, राजन्स कैंपस करे सूरत में, तो वहां सर 8 बिल्डिंग है और कुल मिला के 418 फ्लैट है। तो वहां पे मेरा फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ बातचीत किया कि हमको यहाँ से सब जगह से हर घर से जो पस्ती या फिर प्लास्टिक वेस्ट जैसा शैम्पू की बॉटल है, तेल के डिब्बे है, वो सब इकट्ठा करके फिर ऐसा करना है। तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अकेले से पॉसिबल नहीं था। तो हमने 8-8 बिल्डिंग में दो दो महिलाओं की एक बना दी कमेटी कि दो महिलाएं 1 से 5 तारीख तक हम सारा इकट्ठा करते थे, फिर एक पस्ती वाले को बुला के और ये सामान बेच देते थे और उस हिसाब से जो फंड इकट्ठा होता था तो एक काम शुरू किया 2017 में। सर सबसे पहले जब पस्ती दान से पेट दान के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने सैनिटरी पेड खरीदना शुरू किया तो वो प्राइवेट कंपनी से लेते थे, तो वो सर वो सैनिटरी पेड की कीमत 35 से 40 रुपीज पर पैकेट पड़ती थी। उस टाइम जितना फंड हमारे पास आता था, क्योंकि हमें एक कॉलोनी की महिलाओं के साथ जुड़े थे, शुरुआत का समय था, तो उस फंड से हम 500 से 600 दिकरियों को ये चीज दे सकते थे कि फंड के हिसाब से ज्यादा नहीं दे सकते थे। फिर सर एक नई सोच थी, नया रास्ता था और कुदरत भी कुछ अच्छा करती है और सर आपने जन औषधि केंद्रों के अंतर्गत 2018 मुझे याद है 4 जून 2000 के अंदर सुविधा करके सैनिटरी पेड लॉन्च किया और उसका मैंने टीवी और जन सुविधा सेंटर से वो एडवर्टाइज पढ़ा और सब माहिती इकट्ठा की। तो सर वो 10 रुपए की कीमत में पेड पड़ता, जो मैं 35 से 40 रुपीज में परचेस करती थी वही चीज 10 रुपया में मिलती थी।
तो जब मैं 500 दिकरियों को वो दे सकती थी, वो चीज मैं 3000 से 3500 तक दिकरियों को वो चीज हम दे सकते थे। तो इस जन औषधि केंद्र से जो सुविधा लॉन्च हुआ, उसकी सबसे अच्छी सुविधा हमें मिली, हमारी टीम को मिली। और हमने फिर सूरत की प्राथमिक स्कूल है, नागरिक सरकारी स्कूल है, और गरीब आवास है, जो प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, कि जहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक की बात भी नहीं बोली जाती थी, तो वहाँ हम हर महीने कार्यक्रम करते थे। मेरे साथ में जो गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर थी, कि जो वॉलेंटियर आती थी, उनको भी लेके जाते थे। तो वो भी लड़कियों को वो मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक के हिसाब से क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी साथ में एक साथ में होता चलता था। उसके साथ कभी कभी स्कूल में हम, हमारे ही आरोग्य केंद्र है, क्यों, मैं पार्टी से जुड़ी हुई थी, पहले महिला मोर्चा की संगठन में महामंत्री थी शहर की, तो वो थोड़ी बहुत पता थी कि आरोग्य केंद्र भी निःशुल्क ये सब टेस्ट, कैल्शियम आयन की टेबलेट लड़कियों को देते हैं, तो स्कूल में वो भी हम साथ में देते थे। और उस टाइम हमारे सांसद दर्शनाबेन जरदोस भी हमारे साथ कभी कभी आती थी कार्यक्रमों में, और वो भी उनसे जुड़ जाती थी। तो धीरे धीरे उस हिसाब से शुरू किया, और सर बहुत अच्छा पिकअप से वो चलता था। मैंने सबसे पहले, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सुविधा जब लॉन्च हुआ, तब सुविधा का सबसे पहला ऑर्डर मेरा था। और उस टाइम सर, उस टाइम सूरत की जो जन औषधि सेंटर थे, उसमें वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ था, आने की बात थी। और जैसे हर एक का नेचर होता है कि जो सोचते हैं वो इंस्टेंट करना है, तो मेरा, मैंने जब देखा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं सोचा, पर स्कूल में कार्यक्रम अरेंज कर दिया कि मुझे थर्सडे को कार्यक्रम करना है, और एक वीक था, और यहाँ इंक्वायरी किया तो यहाँ अभी स्टॉक आया नहीं था। फिर सर बीपीपीआई में, अपनी गुजरात में कल्पेश रावल जी है, हमारे मितेश भाई है, उन सब से मैंने मेल के द्वारा कांटेक्ट किया, और वो सारी टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, डायरेक्ट दिल्ली से उनके प्रोडक्शन से सबसे पहला कंटेनर सर मुझे मिला। और जो डेट सर, जो डेट तय की थी, वही डेट पे हम कार्यक्रम कर सके, मतलब हमारा, मेरा ट्रस्ट है परस्पर मानवता की महक ट्रस्ट के साथ, सिस्टम ने भी हमें बहुत मदद की है, कि चाहे स्कूल में कार्यक्रम करने हैं या आरोग्य केंद्र में करना है, तो सब लोगों ने मिलके इसको बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ाया। और अभी तक सर 1,65,000 तक सैनिटरी पेड में सुविधा के सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। फिर सर, फिर सडनली जो कुदरत ने कहर थी, जो कोरोना आया, उस हिसाब से मैं एक साल सवा साल से काम बंद था। तो सर उस समय के दरमियान मेरे पास तो दो कंटेनर, मतलब बॉक्स में, एक बॉक्स में 500 सैनिटरी पेड आते, जो डायरेक्टली मैं सुविधा से मंगवाती थी, तो वो स्टॉक पड़ा हुआ था। पर वो स्कूल में हम कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, तो काफी सर हमारे जहाँ पे जो सर्वेंट आती थी, उनके द्वारा मैंने उनकी कॉलोनी में थोड़े बहुत तो ऐसे ही भिजवा दिए कि आप ले जाना। प्रधानमंत्री जो आवास में जो महिला होती, जो सारी नेबर के यहाँ भी कोई सर्वेंट आती, उनके थ्रू उनको भिजवाया। पर सर ये जो कोरोना का जो माहौल था ना, तो उस टाइम मुझे एक विचार, एक सोच आया, एक आइडिया आया, अगर आप परमिशन दो तो मैं आपसे वो, सर उस टाइम ऐसा आया कि हम जैसे बैंक खोलते हैं, कि बैंक में सर फंड जमा होता है, जब वो विड्रो करना है कर सकते है, तो पेड़ की भी एक बैंक होनी चाहिए हर सिटी में, कि कोई भी डोनर है, ये तो पस्ती से इसीलिए पैसा इकट्ठा होता है, पर कोई भी डोनर है जिसको 500, 1000, 1500, 2000 पैसा डोनेट करना है, तो वो पेड़ बैंक में डोनेट करता है, और वही बैंक से हर स्कूल की लड़कियों को उसके घर के एड्रेस पे हर महीने 2 पैकेट पेड़ मिल जाने चाहिए। तो उसमें सर दो चीज हो सकती, विन विन सिचुएशन, कि जो डोनेट है डोनर, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि मेरा पैसा सही में यूज हो रहा है कि नहीं, और हम ऐसा कहीं भी माहौल आए कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए, तो भी वो सेवाएं लोग जन प्रतिदिन तक पहुंच पाए। तो एक थोड़ा सा सुझाव था कि मैंने इस समय दरमियान ध्यान में आया है सर, और आगे भी सर। उर्वशी जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, और मैं आज आपको कई सारी बधाइयां देना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक तो कोई गुज्जू
इतनी बढ़िया हिंदी बोल ले। तो एक तो इसके लिए बधाई, दूसरा आम तौर पर लोगों में छवि ये है कि राजनेता राजनीतिक क्षेत्र के लोग यानी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, तू तू मैं करते रहते हैं। आपने एक पॉलिटिकल वर्कर एक काउंसलर होने के बावजूद भी आपने सेवा के माध्यम से लोगों के दिल जीतने का कार्यक्रम लिया है, ये सभी राजनीतिक दल के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देगा। ये अपने आप में किसी भी दल के हो जो भी इस प्रकार से काम करते हैं उन लोगों के लिए मेरे मन में बहुत आदर होता है, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दलों से उठापटक करना इतना काम नहीं है हमारा काम। और ये मैं एक और दो सुझाव देता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी सूची लेकर के उनके हर घर में ये हाइजीन के संबंध में कैंप लगा करके वस्तुएं पहुंचा करके आप मिशन रूप में कर सकते हैं क्या, टारगेटेड ऑडियंस। दूसरा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस कोरोना में जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है उन परिवारों में जाकर के भी इस विषय को लेकर ये जाकर के उन परिवार को, क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां हैं वो ज्यादातर इस बात को पकड़ लिया होगा, लेकिन ये लोग, और आपके यहाँ तो आंध्र से बहुत परिवार रहते हैं, उड़िया के बहुत परिवार रहते हैं, बिहार के बहुत परिवार रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत परिवार रहते हैं, और मैंने तो वहां इनकी गरीबी देखी है। तो हम उन लोगों के बीच जाकर के अगर इस काम को कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि आपका ये जो अभियान है वो एक बहुत नए डायमेंशन पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतना व्यापक, सबसे बड़ी बात है कि आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, योजना को आपने सबसे पहले पकड़ा और सबसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया। वरना बहुत लोग तो इंतजार करते भी आया है पता नहीं कैसा है कब होगा, लेकिन आपने तुरंत डिसीजन लिया और आगे बढ़ाया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आइए हम डॉक्टर शैलेश जी से बात करते हैं। शैलेश जी खंडेलवाल, आप तो रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, नमस्कार। प्रधानमंत्री, नमस्कार प्रधानमंत्री जी को मेरा हृदय से प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल है, रायपुर से मैं मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। मेरी जन औषधि की यात्रा 2017 में एक पेपर एड से और आपकी स्पीच से चालू हुई। मेरे हृदय में प्रेरणा हुई कि जेनरिक मेडिसिन का काम किया जाए। स्थानीय विधायक महोदय ने और मेरे मित्रों ने सहयोग किया और एक जन औषधि केंद्र मेरे परिसर में खोला गया। आपको बताना चाहूंगा कि उस दौरान मुझे 1.5 साल बहुत दिक्कतें हुई। डॉक्टर भी मैं, लिखने वाला भी मैं, मेडिसिन देने वाला भी मैं। लोगों को लगा कि जो दवाइयां डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, एनीमिया की दवाइयां दूसरे क्षेत्र में 10 से 12 हजार की मिलती है, वो यहाँ पे 80 से 20% कम हो जाती है, 90% कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं? हमने उन्हें समझाना चालू किया और लगातार आप 7 मार्च को 4 बार मेरे केंद्र में जब भाषण देते रहे तो उस आपदा या विपदा मेरे लिए कह सकते हैं मैं निकल आया और लोग जन औषधि की तरफ आकर्षित हुए। दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरे पास जब आया, जब मेरे क्षेत्र मुस्लिम बहुल एरिया है, कुछ बहनें मेरे पास आई मुस्लिम बहन की, उन्होंने कहा जो मोदी जी के स्टोर में, मोदी जी के दुकान में जो सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड है वो 1 रुपए में मिलता है। डॉक्टर साहब, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? ये दूरस्थ अंचल से महिलाएं आती हैं, वहां तक पहुंच जाए। हम कभी आने में हिचकते भी हैं आपके स्टोर में। तब हमारे ये मन में आया, उन महिलाओं ने कहा कि हम भागीदारी करेंगे। तभी हमारे दिल में एक बात की कल्पना हुई, क्यों ना हम इनको सुधा दीदी बोले। हमने महिलाओं को प्रेरित किया कि हमसे रजिस्टर्ड करें और अब सुधा दीदी बन जाए। 100 घर 1 घंटा काम। मैं आपको बताते हुए फख्र और खुशी महसूस करता हूं कि आज 100 सुविधा दीदी हमारे अंडर काम कर रही हैं, सुविधा सैनिटरी नैपकिन पैड को घर घर ले जा रही है। एड ऑन प्रक्रिया हुई कि उन्होंने, जब हमने 100 घर की उनको लिस्टिंग दी कि उसमें भरे कि कोई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं है, तो वो ड्रग डिलीवरी एजेंट के रूप में भी सेवा और आपके रोजगार के कॉन्सेप्ट को करने लगी। अंत में एक बात शेयर करूंगा, आज मैं बताना चाहूंगा, जब शुरू में जन औषधि केंद्र खुला था तो चिकित्सक मित्र तो बोलते तो नहीं थे, पर देखते थे जेनरिक वाला डॉक्टर है। पिताजी भी मेरे वृद्ध है, वो बोलते थे यार जेनरिक का काम करते हो पर अच्छा है। पर आज जब मैं उनके पैर छू के निकला कि मेरे जीवन का एक अस्वर्णीय क्षण है कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा,
वृद्ध पहले। डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत विस्तार से अपना अनुभव बनाया, बड़ा उत्साहवर्धक अनुभव है। मैं सभी डॉक्टर से भी यही आग्रह करूंगा कि हमारे शैलेश खंडेलवाल जी की तरह आप भी इस काम में आगे आइए। गरीब से गरीब की, मध्यम वर्ग की, सामान्य परिवारों की बहुत सेवा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबसे बात करने करके मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थी, संचालक एवं कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद के द्वारा परियोजना में जुटे हर एक का मनोबल एवं उत्साह तो सुदृढ़ बन चुका है। अब जन उपयोगी जन औषधि परियोजना के साथ जुड़े सभी सदस्यों और देश के नागरिकों के तरफ से स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने में आपके प्रेरणादायी आशीर्वचन संबोधन के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम नम्र अनुरोध करते हैं। सर नमस्कार, मुझे आज देश के अलग अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ। सरकार के प्रयासों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ साथियों को आज सम्मानित करने का सौभाग्य सरकार को मिला है। आप सभी को जन औषधि दिवस की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5000 करोड़ रुपया बचे हैं। और जैसा अभी आपने वो वीडियो में देखा, अब तक करीब 13000 करोड़ रुपया बचा है, सब मिलाकर के 13000 करोड़ रुपया बचा है, तो पिछली बचत से ज्यादा बचत हो रही है। यानी कोरोना के इस काल में गरीबों और मध्यम वर्ग के करीब 13000 करोड़ रुपए जन औषधि केंद्रों से बचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी मदद है। और संतोष की बात है कि ये लाभ देश के ज्यादातर राज्यों में ज्यादातर लोगों तक पहुंच रहा है। आज देश में 8,500 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुले हैं। ये केंद्र अब केवल सरकारी स्टोर नहीं बल्कि सामान्य मानवी के लिए समाधान और सुविधा के केंद्र बन रहे हैं। महिलाओं के लिए 1 रुपये में सैनिटरी नेपकिन भी इन केंद्रों पर मिल रहे हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नेपकिन्स की बिक्री ये दिखाती है कि जन औषधि केंद्र कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का जीवन आसान कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजी में कहावत होती है, मनी सेव इज मनी अर्न, यानी जो पैसा बचाया जाता है वो एक तरह से आपकी आय में जुड़ता है। इलाज में होने वाला खर्च जब बचता है तो गरीब हो या मध्यम वर्ग, वही पैसा दूसरे कामों में खर्च कर पाता है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। जब ये योजना शुरू हुई 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं, उन्हें अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिला है। अगर ये योजना नहीं होती तो हमारे इन गरीब भाइयों बहनों को करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ता। जब गरीबों की सरकार होती है, जब मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, जब निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की सरकार होती है, तो समाज की भलाई के लिए इस प्रकार के काम होते हैं। हमारी सरकार ने जो पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया है, उसके तहत, क्योंकि आजकल किडनी को लेकर के कई समस्याएं ध्यान में आ रही हैं, डायलिसिस की सुविधा को लेकर के ध्यान में आती हैं, जो हमने अभियान चलाया है,
आज गरीबों ने डायलिसिस की सेवा के करोड़ों से ज्यादा सेशन मुफ्त कराए हैं। इस वजह से गरीबों के सिर्फ डायलिसिस का 550 करोड़ रुपया हमारे इन परिवारों के बचे हैं। जब गरीबों की चिंता करने वाली सरकार होती है तो ऐसे ही उनके खर्च को बचाती है। हमारी सरकार ने कैंसर, टीबी, डायबिटीज, टीबी हो या डायबिटीज हो, हृदय रोग हो, ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए जरूरी 800 से ज्यादा दवाइयों की कीमत को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्टेंट लगाने और नील इम्प्लांट की कीमत भी नियंत्रित रहे। इन फैसलों से गरीबों के करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए बच पाए हैं। जब गरीबों और मध्यम वर्ग के हितों के बारे में सोचने वाली सरकार होती है तो सरकार के ये फैसले जन सामान्य को लाभ करते हैं और जन सामान्य भी एक प्रकार से इस योजनाओं का एम्बेसडर बन जाता है। साथियों, कोरोना के समय में दुनिया के बड़े बड़े देशों में वहां के नागरिकों को एक एक वैक्सीन के हजारों रुपए देने पड़े हैं, लेकिन भारत में हमने पहले दिन से कोशिश की कि गरीबों को वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान के एक भी नागरिक को वैक्सीन के लिए कोई खर्चा न करना पड़े। और आज देश ने मुफ्त वैक्सीन का यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया है और हमारी सरकार 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च कर चुकी है क्योंकि हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है जिसका बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी, उससे ज्यादा पैसे फीस के नहीं ले सकते हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के करीब करीब 2,500 करोड़ रुपए बचेंगे। इतना ही नहीं, वो अपनी मातृभाषा में मेडिकल एजुकेशन कर सके, टेक्निकल एजुकेशन ले सके। ये इसके कारण गरीब का बच्चा भी, मध्यम वर्ग का बच्चा भी, निम्न मध्यम वर्ग का बच्चा भी, जिसके बेटे स्कूल में अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे भी अब डॉक्टर बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत कर रही है। आजादी के बाद इतने दशकों तक देश में केवल एक ही एम्स था, लेकिन आज देश में 22 एम्स हैं। हमारा लक्ष्य देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का है। देश के मेडिकल संस्थानों से अब हर साल 1.5 लाख नए डॉक्टर्स निकल आ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और सुलभता के बहुत बड़ी ताकत बनने वाले हैं। देश भर के ग्रामीण इलाकों में हजारों वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं। इन प्रयासों के साथ ही कोशिश ये भी है कि हमारे नागरिकों को अस्पताल जाने की जरूरत ही न पड़े। योग का प्रसार हो, जीवन शैली में आयुष का समावेश हो, फिट इंडिया और खेलो इंडिया मूवमेंट हो, आज ये हमारे स्वस्थ भारत अभियान के प्रमुख हिस्सा है। भाई और बहनों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रहे भारत में सबके जीवन का समान सम्मान मिले, मुझे विश्वास है हमारे जन औषधि केंद्र भी इसी संकल्प के साथ आगे भी समाज को ताकत देते रहेंगे। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।